नमस्कार प्राइम ओडिसा को स्वागत कुछ मिनट में प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रो लोकार्पण करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 341 किलोमीटर एक्सप्रेस वे विकास और उन्नति रो खोलिबो नुआ द्वार उद्बोधन दे मोदी कहले केवल राज्य नहीं पूरा देशर सामर्थ्य को वृद्धि करिबो एक्सप्रेस वे बदनाम मंत्री बदनाम सांसद और बदनाम विधायक डीजी घेराबंदी बिजेडी बिजेडी मालामाल मंत्री सांसद और विधायकों नारे अभियोग बदनाम नेता बदनाम दल दंगा हत्या और दुर्नीतिर कलंग बिजेडी मुंडरे विरोधी विरोध में अठा काठी रे सरकार संतकवि भीम भोई विचार को मिल सारा दुनिया रा सम्मान नुआ शिक्षा नीति रे भीम भोई साहित्य और दर्शन भीम भोई चिरशाश्वत ओडिया संस्कृति परंपरा और संस्कार प्रतिनिधि गरीब उपेक्षित और सर्वसंतक आपणार मनीष ओडिया पो केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान देले ओडिशा को बड़ सम्मान अठाईस हजार अधिक शिक्षक अभाव चली राज्य शिक्षा व्यवस्था एवढे खोला आकाश तले शिक्षक आलोचना को आसुना राज्य सरकार नार्ज दाबी नहीं वर्षा शीत राजरास्तार करसन निजुक्ति चाकरी समय सीमा बढ़ावाई जोर धरला दाबी आसंता कालठारु अंधार होइपारे ब्रह्मपुर सहर दीर्घ वर्ष धरी ब्रह्मपुर महानगर निगम विद्युत बिल पैठ न करिवारु विद्युत काटिदेबा को टाटा पावर धमक बकाया रही 7,65,00,000 टंका सहरवासी मध्ये असंतोष राज्य पाई पुणी लज्जा शिशु को अश्लील वीडियो बनाइबारे सारा देश में ओडिशा पांच नंबर राज्यर विभिन्न स्थान में सीबीआई रेड ढेंकानाल चढ़ाऊ बेले सीबीआई टीम को घेरिले उत्तक्त लोके राज्य सरकार को खाउटी मारण नीति ग्रिडकोर अपारगता जो राज्य हर 5,040 नियुत यूनिट विद्युत अजाचित भाव 2,650 कोटी टंकार लाभ पाइब वेदांत उपभोक्ता मुंडे पड़ वार्षिक 540 कोटी टंकार अतिरिक्त बोझ जातीय टेलीविजन ने रामचंदानी तारक मेहटा का उल्टा चश्मारे प्रदर्शित हो डाक्तर सेवा कार्य गरीब रोगी सेवा करी जातीय गणमाध्यम प्रशंसा साउंटुंट बुर्ला भीमसारे कार्यरत डाक्तर शंकर रामचंदानी हाईवे रे रनवे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लोकार्पण कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 341 किलोमीटर एक्सप्रेस वे विकास एवं उन्नतिर खोल नुआ द्वार उद्बोधन दे मोदी कहते केवल राज्य नुहे पूरा देशर सामर्थ्य को वृद्धि कर एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उद्घाटन 341 किलोमीटर एक्सप्रेस वे विकास एवं उन्नतिर खोल नुआ द्वार हाईवे रे रनवे दम देखाइले मोदी हरकुलिस रु कले अवतरण एयर शोरे सुखोई जगुआर मिरेजर जादुकरी परोक्षे पड़ोशी शत्रु देश को चेतावनी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश विकास और प्रगतिर गेटवे सुदृढ़ संकल्पर परिभाषा आज प्रकाश कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व सरकार तोषण और शोषण राजनीति को प्रधानमंत्री कड़ा समालोचना करते तेरे प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लोकार्पण कर सहित पूरा देशर संयोगीकरण पथ प्रस्तुत से कहते दम देखाइले मोदी हरक्युलस रु कले अवतरण एयर शोरे सुखोई जगुआर मिरेजर जादू परोक्षे पड़ोशी शत्रु देश को चेतावनी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश विकास और प्रगतिर गेटवे
सुदृढ़ संकल्पर परिभाषा। पूर्व सरकार तोषण और शोषण राजनीति को प्रधानमंत्री कड़ा समालोचना। राज्य सहित पूरा देशर संयोगीकरण पथ प्रस्तुत। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लोकार्पण कर प्रधानमंत्री मोदी। तीन सौ एकचालीस किलोमीटर एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश विकास और उन्नतिर नुआ द्वार खोल अर्थनीतिर विकास सहित नूतन उद्योग संभावना। एक्सप्रेस प्रदेश आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। रोजगार क्षमता और राज्य पूर्वांचल क्षेत्र को देशर व्यावसायिक केन्द्र में परिणत कर जहां केवल राज्य पाई नुहे पूरा देशर सामर्थ्य को वृद्धि कर संबोधन में प्रधानमंत्री। एक्सप्रेस वे यूपी के विकास का एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। एक्सप्रेस वे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनित प्रगतिकरण है। एक्सप्रेस वे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। यही अवसर में C-130J हरक्युलस युद्ध विमान सुल्तानपुर नूतन एक्सप्रेस वे रे अवतरण करिथिले प्रधानमंत्री। एक्सप्रेस वे रो उद्घाटनी समारोह परे अनुष्ठित होइतिबा एयर शो रे भारत सुखोई जागुआर मिरेज परी शक्तिशाली युद्ध विमान चमत्कार प्रदर्शन पूरा विश्व को भारत सामरिक शक्ति दम देखाई। सरकार उत्तर प्रदेश पूर्वांचल को अणदेखा करवल निजर राजनैतिक स्वार्थ और परिवार बादर राजनीति करुवा पूर्व सरकार को उत्तर प्रदेश लोक सटीक जवाब देवे बोली विरोधी को टार्गेट करते प्रधानमंत्री। तब की सरकार ने योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की। जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा यूपी के लोग, ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। देशर यह सर्वबृहत एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश सर्वतम महत्वाकांक्षी योजना जहां पूरा राज्य को एक नूतन उच्चता को ले जाई पारिबो बोली एही अवसर रे प्रधानमंत्री सह उपस्थित थिबा यूपी मुख्यमंत्री निज अभिभाषण रे कहिथिले। यहां सहित पूर्वांचल उन्नति दिगरे प्रधानमंत्री द्वारा निया जाइतिबा पदक्षेप अत्यंत प्रशंसनीय बोली कहिथिले योगी आदित्यनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आसा परवर्ती खबर को बदनाम मंत्री बदनाम सांसद आ बदनाम विधायक मालमाल बदनाम नेता बोझे एवं राज्य शासन क्षमतार थिबा बिजु जनता दल दंगा हत्या आ दुर्नीति परी अभियोग कलंक एवं बिजेडी मुंडे आसीथिबा बेले विरोधी विरोध में अठा काटिरे सरकार। देखिबा हमर विशेष रिपोर्ट बिजेडी रो डीएसडी। बिजेडी ना डीएसडी दंगारे ना हत्यारे ना आउ दुर्नीतिरे भी ना बीजेडी रा माळमाळ मंत्री सांसद आउ विधायकों नाँ अभियोग बदनाम नेता बदनाम दल
बीजेडी एवे डीएसडी घेराबंदी रे डीएसडी दंगाकारी हत्याकारी आउ दुर्नीतिकारी राज्यसभा सांसद तथा बीजेडी रा राष्ट्रीय मुखपात्र सस्मित पात्रों नाँ से आसी दंगा सृष्टि करिथिबार अभियोग राज्य कांग्रेस आनी संगीन अभियोग आ कांग्रेस कही सस्मित पात्र बापा स्वरूपानंद पात्र और मिसी कंधमाल दंगा कर शांतिप्रिय कंधमाल अशांतिर बीज बुणी सांसद एपरी काम को विरोध करी बीजेपी सस्मित जड़े दंगाकारी सांसद बोली बीजेपी अभियोग कर तबे कंधमाल दंगा को नहीं एवं विवाद रे सस्मित पात्र निर्दिष्ट राग रही सस्मित पात्र जयदेव जेना पीसी सभापति थे कंधमाल अशांत होता किशोर पटेल जगन्नाथ पट्टनायक नलिनी महांती ठूँ आरंभ कर गोटे बड़ फैक्ट फाइंडिंग टीम जाइला कंधमाल एवं फैक्ट फाइंडिंग टीम आसला जे आम दल जी रही वर्तमान युव कांग्रेस जो नेता सस्मित पात्र पर हाथ अच्छी दंगार स्वरूपानंद पात्र इनवल्वमेंट थिला को भली भाव से धर्मांतरीकरण कर जमी हड़प कर लक्ष्मणनाथ सरस्वती को हटेबापे व्यवस्था कर एक जाचे समस्त आम एक जानते बहुत आलोचना कि गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ बाबू सस्मित पात्र को कांग्रेस दल दल रु बहिष्कार करने रेकमेंड कर छाड़ी पलि नजर पका राज्य सरकार पावरफुल तीन मंत्री प्रताप जेना दिव्यशंकर मिश्र अरुण साहू संगीन सरकार हरड़ घणारे सरकार गलारे प्रताप दिव्य और अरुण कंटा सरकार ना गिली पारुछंती ना काढ़ी पारुछंती महंगा डबल मर्डर घटन विवाद रे मंत्री प्रताप जेना मुदाला नंबर 13 रे मंत्री ना आउ सनशाइन कॉलेज प्रिंसिपल ममिता मेहर हत्याकांड घटन गृह राष्ट्र मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र ना दिव्यशंकर जलुची ओडिशा सारा राज्य प्रतिवाद रास्तार जलुची कुश पुतलिका आगक विधानसभा अधिवेशन बेले सरकार चिंता बढ़ी सेपरी नयागढ़ परी हत्या मामलें बिवाद रे खोद राज्य सरकार पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर अरुण साहू अरुण भूमिका को नहीं उठी प्रश्न विधानसभा दिल्ली जाए हो हल्ला कार्यानुष्ठान सुन राज्य सरकार दागी और दुर्नीतिखोर मंत्री तालिका लंबा मंत्री नवकिशोर दास प्रफुल्ल मल्लिक सुशांत सिंह सुदाम मरंडी रणेन्द्र प्रताप स्वाई नगर उन्नयन मंत्री और पंचायतीराज मंत्री प्रताप जेना विभाग में मालामाल दुर्नीतिर अभियोग रही मंत्री नवकिशोर दास विभाग में औषध किणा दुर्नीति आरंभ कर परिवार सोडामाल जमी दुर्नीति संप्रक्ति थिबार अभियोग पूर्त और ग्राम्य उन्नयन विभाग रास्ता केलेंकारी प्रफुल्ल और सुशांत ना आसीबा बेले समवाय दुर्नीति आसी रणेन्द्र प्रताप स्वाई और परिवार सदस्यों ना सारा राज्य में समवाय विभाग महाकेलेंकारी महामारी रूप धारण कर सरकार किंतु नीरव सेपरी राज्य में लघु खनिज सामग्री लुट महादुर्नीति परिणत होता बेले राजस्व मंत्री सुदाम मरांडी विरोध में आक्शन सुन सरकार मंत्रिमंडल अधारू अधिक मंत्री दुर्नीति हत्या पर संगीन अभियोग में संप्रक्ति बेले एवं सरकार बढ़िवे लगी अड़ुआ आगक पंचायत निर्वाचन हेले बदनाम कलंक सरकार मुंड कैबिनेट ठार् राष्ट्र पाया सब मंत्री नाँ अभोग हेले अड़ुआ सरकार को घाटी बेले एवं मंत्रिमंडल में बड़धरण अदल बदल नहीं हो चर्चा ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज ओडिशावासी को पई खुशी खबर नुआ शिक्षा नीति रे भीम भोई को साहित्य और दर्शन पूर्वरु रेढ़ाकोले देथिबा प्रतिश्रुति रखिछंती केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इनि आनुष्ठानिक भाबे केन्द्र शिक्षा मंत्रालय रो घोषणा को ओडिशावासी स्वागत करछंती संत कवि भीम भोई को विचार को मिलिब सारा दुनिया रो सम्मान भीम भोई चिरशाश्वत ओडिया संस्कृति परंपरा और संस्कार प्रतिनिधि गरीब उपेक्षित व सर्वस्वांत आपणार मणिष जातिसंघ कांथरे स्थान पाइले भारत पाठ्यक्रम होइन थिले सामिल ओडिया पुओ केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान देले ओडिशा को बड़ सम्मान भीम भोई को दरदी व कालजयी साहित्य ओडिशा को विश्व दरबार में पहुंचाइब नूतन स्थान रे नुआ शिक्षा नीति रे भीम भोई को साहित्य व दर्शन नेट पाठ्यक्रम रे तांको जीवन दर्शन को सामिल करने को निष्पत्ति नेइछंती केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय मंजूरी आयोग स्वीकृति मिली अक्टोबर प्रथम सप्ताह रेढ़ाखोल रे ए संपर्क रे घोषणा करथिले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भारतीय संस्कृति
अनन्य चिंता नायक संथ कवि भीम भोई आगामी दिन में यूजीसी पाठ्यक्रम यूजीसी फिलोसोफर मानकर तालिका रे संथ कवि भीम भोई को अग्राधिकार दियाजिव उच्चतर गवेषणा करा जिव विभिन्न विश्वविद्यालय रे यूजीसी तरफ़ भीम भोई का नाँ रे चेयर प्रतिष्ठा करा जिव विभिन्न राज्य रे करा जिव अंतरराष्ट्रीय स्तर रे करिवार व्यवस्था भी करा जिव। तेबे संपर्क रे विधिवत भाव रे घोषणा करिछंती केंद्र शिक्षा राष्ट्र मंत्री सुभाष सरकार नुआ शिक्षा नीति हिसाब रे यूजीसी पाठ्यक्रम रे भीम भोई सोशियो एथनिकल पर्सपेक्टिव ऑफ महिमा धर्म शीर्षक रे शामिल हेबो। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को प्रतिश्रुति परे यूजीसी आनुष्ठानिक भाबे एहाकु शामिल करिछि पाठ्यक्रम रे यूजीसी नेट दर्शन पाठ्यक्रम रे एहा स्थान पाइबो। नुआ शिक्षा नीति डिसेंबर 2021 रो आरंभ होतबारु नुआ पाठ्यक्रम रे एहाकु शामिल करबाकु विशेषज्ञ मंडली सुपारिश करिछि। ओडिशा रो अनेक राजनेता धार्मिक सामाजिक व सांस्कृतिक व्यक्ति विशेष केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को संत कवि भीम भोई को साहित्य दर्शन व महिमा धर्म रो तत्व को यूजीसी पाठ्यक्रम रे शामिल करबा को प्रस्ताव देथिले। एबे यहा को अनुमोदन मिलबा परे निष्पत्ति को दलमत निर्विशेष रे सारा राज्य रे स्वागत करा जाइछि। पूर्वरु शिक्षा मंत्री कहिथिले भीम भोई को उपरे गवेषणा हेबो विभिन्न राज्य रो विश्वविद्यालय रे भीम भोई को नारे संत कवि भीम भोई चेयर प्रतिष्ठा हेबो। अंतरराष्ट्रीय स्तर रे भीम भोई को जीवनी उपरे गवेषणा पई उद्यम करा जिवो बोली मध्य प्रकाश करथिले केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। नजर पकेबा बड़ खबर परे उगांडा रा कंपाला शहर रे सीरियल बोमा विस्फोरण। उगांडा रा हॉलिडे एक्सप्रेस होटल लु 200 मीटर दूर रे ए विस्फोरण होईचे। हॉलिडे एक्सप्रेस होटल रे रहिचंती भारतीय पारा बैडमिंटन टीम। विस्फोरण परे समस्त भारतीय खिलाड़ी सुरक्षित थिबा सूचना मिलिछे। भारतीय खिलाड़ी को समेत होटल रे अन्य दल रे खिलाड़ी माने मध्य सुरक्षित रहिचंती। पुंतरे कहि रुछु उगांडा रा कंपाला रे बोमा विस्फोरण होईचे। सीरियल ब्लास्ट होइथिबा सूचना मिलिछि। उगांडा रा हॉलिडे एक्सप्रेस होटल लु प्राय 200 मीटर दूर रे ए विस्फोरण होइछि। तबे हॉलिडे एक्सप्रेस होटल रे रहिछंती भारतीय पारा बैडमिंटन टीम। विस्फोरण परे समस्त खिलाड़ी सुरक्षित थिबा सूचना मिलिछि। ता सहित भारतीय खिलाड़ी समेत होटल रे अन्य दल रे खिलाड़ी माने मध्य सुरक्षित रहिथिबा सूचना मिलिछि। खबर जारी रहबो समय छक ब्रेक रा। स्वागत। 28,000 अधिक शिक्षक अभाव चली राज्य शिक्षा व्यवस्था एभले खोला आकाश तले अनुसंधे शिक्षक आलोचना को आसुना राज्य सरकार नार्ज्य दाबी नहीं बर्षा शीत राजस्तार करसन निजुक्ति चाकरी समय सीमा बढ़ावाई एवं जोर धरी शिक्षकों दाबी। निज नार्ज्य दाबी पाई खोला आकाश तले बर्षा शीतरे राजरास्तारे अनशनरे शिक्षक दाबी पूरण पाई केतेबेले बर्षारे भिजुछंती तो आउ केतेबेले राज्य सरकार आलोचना पाई आसुनथबारु विधानसभा भितर को धसी पसिबाकु चेष्टा करुछंती। लोअर पीएमजी रे ओडिसा कनिष्ठ शिक्षक आशाई संघ निजुक्ति दाबी रे जोरदार करिछि आंदोलन को। आंदोलनकारी शिक्षकों दुईट प्रमुख दाबी से निजुक्ति मिलू एवं निजुक्ति समय सीमा बढ़ा जाऊ। भल पा जो मैंने कि सभ्यतार सहित आज पर्यटन लड़ाई कर आस असभ्य व्यवहार भी देखा ना कि पुलिस एत असभ्य बेईमान पुलिस बांधे नहीं गल 10 जन को झील पिला स्ट्राइक को जाते बयज पुलिस झील पिला टच कर लाज लगुच टच कर पुलिस एटा कौन पुलिस कामुड़ी भी जाइए पुलिस। आंदोलन तो आम जारी रही सफलता पाइला पर्यंत ना शेष निश्वास पर्यंत। रिपोर्ट हिसाब रे राज्य रे मोट स्कूल संख्या होउची 68,717। ए सब स्कूल रे मोट शिक्षक संख्या 340,477। एबे भी अभाव रहितबा शिक्षक मानक संख्या 28,816। एहा भितरो ग्रामांचल रे संख्या 67%। एभली स्थिति रे 5 वर्ष धरी पास करितबा ए पिला मानक भविष्यत कोन हेबो एवं राज्य रे खाली थिबा शिक्षक पद केबे पूर्ण हेबो ताकुने उठिची प्रश्न।
ଆମକୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ହୁଏତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି, ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଫେରିଆସିବ, ଭରସା ଫେରିଆସିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଫେରିଆସିବେ। ଯେଉଁ ଘରୋଇକରଣର ମୋହ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରେମ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ପ୍ରେମ ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପ୍ରତାରଣା ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଦେବେ, ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଭୟରେ ହିଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶିକ୍ଷକ, ଏ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା ନ ହେବା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ଅପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବାର ନିୟମ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନିୟମ ପାଳନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ତେଣୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିହାତି ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ନ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାଠୁ ଘୃଣ୍ୟ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି, ସରକାର ଟିକେ ଉଦାହୃଦୟ ହେଲେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଏବେ ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଟା ସମୟ ଲାଗିବ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲେ ସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଖାସ କରିକି, ତ ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଛି ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଛି, ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏ ଲଢ଼େଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ତେବେ କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଜରି ପାଲ ତଳେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କ'ଣ ଖୋଲା ପାଲ ତଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହୋଇପାରେ ଅନ୍ଧାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କରିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ଟାଟା ପାୱାର। ବାକି ଥିବା 7,65,00,000 ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି। ଏବେ ବିଜୁଳି କାଟିବା ଶୁଣିବା ପରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଢେର ଅସନ୍ତୋଷ। ସତର ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର? ବିଏମ୍ସିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବାକି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଇଏ ହେଉଛି ବିଏମ୍ସି ଟାଟା ପାୱାରର ନୋଟିସ୍। ଟାଟା ପାୱାର ଓଡ଼ିଶା ଟିପିଏସ୍ଓ ଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ଗତ 2 ତାରିଖରେ 15 ଦିନିଆ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଇଥିଲା 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଲ୍ ନ ଦେଲେ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରୁ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦିଆଯିବ। 2021 ପୂର୍ବରୁ ଟିପିଏସ୍ଓ ଡିଏଲ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରାୟ 16 କୋଟି ଦେବାର ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22, ଜୁଲାଇ 21 ଓ 22ରେ ସିଟି ସର୍କଲ ବିଇଡି ପକ୍ଷରୁ ନିଗମକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ପାଇଁ ନିଗମ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଟିପିଏସ୍ଓ ଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଟିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 8,55,00,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରି ବଳକା 7,65,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ 2.5 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଲ୍ ପୈଠ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 16,500 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଏହାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେମାନେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗକୁ ତାଙ୍କର ବିଜୁଳି ବାବଦକୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ତାକୁ ପୈଠ କରିବା କଥା। ଯଦି ବି କରିନାହାନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟିକସ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସରକାର, ଏ ଯେଉଁ ମହାନଗର ନିଗମର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଯାଉ, ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଟାଟା ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ 17 ତାରିଖ କାଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କାରଣ ଯଦି କରେଣ୍ଟ କଟା ହେବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ, ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସହିତ ଯେଉଁ
पकड़ मारा सब जो अच्छी से आहरी बढ़ी चलो बीएमसी जो होल्डिंग टैक्स नौ कोटि कोटि टंकार सेटा सी रास्ता नाल घाट सफे विद्युत विभाग को दब ए सब बाबद नौ लोकों पाखर जो कर आदाय कराटार सीधा सड़क भाव में बाट मारणा होदि बाट मारणा हो विद्युत विभाग को जो पैसा दबा अच्छी से अमाउंटा कड़े गला लोक जनाऊ सी अन्यपटे महानगर निगम को देखा पत्र नकल मुख्य शासन सचिवों समेत शक्ति सचिवों मध्य प्रदान करा टीपीएस और डीएल सीईओ लिखि चिठू जमापड़ एने स्पष्टीकरण बीएमसी कमिशनर निकट में पहुंची अर्गस टीम किंतु बीएमसी कर्तृपक्ष ए संपर्क में कौन सी प्रतिक्रिया देवे नहीं बोली मना कर दी एपरी स्थले ब्रह्मपुर महानगर निगम कर्तृपक्ष सहित आम जोगाजोग करते सुधा आम को कैमेरा सम्मुखें प्रतिक्रिया देवा मना कर ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन शुभेन्दु सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज़।